अगर आप भी रियलमी का डिवाइस यूज करते हैं और आप भी रियलमी डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, ठीक है, तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं बात करने वाला हूँ कैसे आप जो है डिवाइस की जो सिस्टम है उसको कैसे रीसेट कर सकते हैं, ठीक है, रीसेट सेटिंग कैसे कर सकते हैं। और वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, इसमें आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, कौन सा ऑप्शन आपको टैप करना है, ठीक है, क्योंकि वहां पर रीसेट करने के लिए दो तीन मेथड होते हैं। एक रीसेट करने का मेथड ये भी होता है कि अगर आप रीसेट करते हो तो आपका डेटा वहां पे इरेज हो जाता है, बट यहाँ पे जो मैं मेथड बताने वाला हूँ इस मेथड के थ्रू आपका डेटा डिलीट नहीं होगा, खाली आपकी सिस्टम सेटिंग जो है रीसेट होगी। मतलब कि यहाँ पे जो भी आपकी सिस्टम सेटिंग, अगर यहाँ पे कुछ सिस्टम सेटिंग में प्रॉब्लम आ गई होगी तो रीसेट करने के बाद एज इट इज हो जाएगी, जैसे आपको पहले यहाँ पे डिवाइस का जो है यहाँ पे जैसे आपने परचेस किया होगा जैसी सेटिंग थी वैसी हो जाएगी, ठीक है, और जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे दूर हो सकती है। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, मैं बात करने वाला हूँ इसी फीचर के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो टेलीग्राम पे आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप भी रियलमी या फिर ओप्पो का डिवाइस यूज करते हैं तो आज की इस वीडियो के थ्रू सिस्टम सेटिंग के बारे में जो मैं बात करने वाला हूँ, और यहाँ पे आप चाहे तो इसको ओप्पो की डिवाइस में भी ट्राई कर सकते हैं, आपको भी सिस्टम सेटिंग के लिए अलग से ऑप्शन मिल जाता है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे मेरे पास रियलमी का डिवाइस है, ठीक है, तो रियलमी की डिवाइस में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ फोटोज के सैंपल्स रखे हुए हैं इसमें, ठीक है, ये उसके लिए है, प्रूफ के लिए कि मतलब मैं यहाँ पे अगर डिवाइस को रीसेट सेटिंग करता हूँ तो डिलीट होगा या फिर नहीं होगा डेटा, तो वो भी आपको पता चल जाएगा अभी, ठीक है। फिलहाल आप देख सकते हैं आपको क्या करना है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे दूर करना है, आपको क्या करना है, तो आपने प्रूफ देख लिया इसके अंदर जो है रखा हुआ है, ठीक है, आपको सिंपली जो है सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। सेटिंग को ओपन करने के बाद सिंपली जो है आपको नीचे जाना है एडिशनल सेटिंग में। जैसे आप एडिशनल सेटिंग में चले आएंगे तो उसके बाद आपको चले आना है बैकअप एंड रीसेट पे, ठीक है, यहाँ पे सिंपली टैप कर देना है। जैसे ही आप टैप करेंगे तो नीचे के साइड में आपको चले आना है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको समझने वाली बात है, ठीक है, यहाँ पे तीन चार ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ पे इरेज ऑल करेंगे तो आपका सब डेटा डिलीट हो जाएगा, बट मैं करने वाला हूँ यहाँ पे बात जो है सिस्टम की जो सेटिंग है उसको रीसेट करने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी था कि जैसे कि मेरे पास डेटा अवेलेबल है, ठीक है, तो चलिए फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे रीसेट करने पे जो है कोई चीज डिलीट होती है या फिर नहीं होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली आपको टैप कर देना है, यहाँ पे आपको सिंपली अपना पासवर्ड जो है मेंशन कर देना है। तो चलिए हम यहाँ से पासवर्ड को जो है डाल लेते हैं। जैसे हम पासवर्ड को डालते हैं यहाँ पे आपके सामने जो है रीसेट सिस्टम सेटिंग ऑन लिया जाएगा, आपको सिंपली टैप कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपको ये जो है प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, रिस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे रिस्टोर हो गया है, ठीक है, कलर भी चेंज हो गया, मतलब मेरा जो यहाँ पे आई कम्फर्ट में था अब यहाँ पे जो है कन्वर्ट हो गया अभी नॉर्मल मोड में, ठीक है। तो इस तरीके से सारी सेटिंग जो है रीसेट हो चुकी है, देख सकते हैं नीचे साइड एक पॉपअप भी आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले हम दर्शन कर लेते हैं अपने, यहाँ पे आप देख सकते हैं आइकन्स वगैरह हमारे यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, क्योंकि हमने डिवाइस की सेटिंग को जो है पूरा यहाँ पे रीसेट कर लिया, ठीक है। अभी चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे फोटोज में, तो फोटोज में देख सकते हैं कोई भी डेटा डिलीट नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट मतलब फुल रीसेट करते हैं तो ही आपका डेटा डिलीट होगा, अगर सिस्टम की जो यहाँ पे रीसेट सेटिंग अगर उसको करते हैं तो यहाँ पे आपका डेटा डिलीट होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आई होप इस तरीके से जो है आप अपने डिवाइस का कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले की तरह हमारा जो पूरा सिस्टम है वो पहले की तरह हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जो है इसके जो सिस्टम रीसेट करने का मतलब यही होता है कि जो पहले की तरह जो सेटिंग्स होती है वैसे ही आपको देखने को मिल जाती है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको जो है पसंद आई होगी, तो आप इसको रियलमी या फिर ओप्पो डिवाइस में जो है ट्राई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो वो दूर हो सकती है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।